हेलो माइनक्राफ्ट लवर्स, सो क्या हाल है सबके? सब बढ़िया ना? स्वागत है आप लोगों का ऑल द मॉड सिक्स स्काई एमसीपी की पहली एपिसोड में। एंड जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर, और साथ ही साथ पुराने बंदों के लिए भी, ये मॉड पैक तो मैंने नहीं बनाया, बट जो ये वर्ल्ड है उसे मैंने बनाया है। और ये वर्ल्ड अभी बीटा स्टेज में है, तो इसमें बहुत कुछ चेंजेस करना है। अगर आपको मेरे काम पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड हो सके तो वीडियो को ब्लैक लू गेमिंग तक पहुँचा दीजिए, बिकॉज मैं चाहता हूँ वो एक बार ये गेम प्ले देखिए। यस आई वॉन्ट टू शो हिम। डाउनलोड वीडियो इसके फोर पार्ट के बाद आएगा। यहाँ पर है स्टार्टिंग चेस्ट, इसमें थोड़े बहुत कुछ है, और इधर मैं जल्दी जल्दी वुड काट लेता हूँ, कॉज नो टाइम, बस ओनली मिशन बाद। एंड एक और चीज़, क्या आपके माइनक्राफ्ट में जो लेटेस्ट वर्जन है 1.16.210 पे, क्या ये वाला ब्लॉक ब्रेकिंग ग्लिच हो रहा है? मतलब ब्लॉक तोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, या फिर टूटने वाला एनिमेशन आ रहा है बट टूट नहीं रहा ब्लॉक? आई होप आप समझ गए क्या बोलना चाहता हूँ मैं। पता नहीं मेरे में ही हो रहा है या सबके सेम हालत है। यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, ओके हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग बना सकते हैं, बहुत बढ़िया रेसिपी। मैंने बहुत सारे कस्टमाइज किया है, वैसे भी मैंने स्टार्टिंग में स्ट्रिंग दे दिया था, कोशिश में स्ट्रिंग की बहुत ज़रूरत है। और यह आ गया क्राफ्टिंग टेबल, इसको नीचे सेट कर देते हैं। यस, मैं इसे एक ब्लॉक नीचे ले जाने वाला हूँ। एंड यहाँ पे स्लैब बना लेते हैं, कॉज अपने आइलैंड को एक्सपेंड करना है। एंड इग्नोर कर देना, मैंने इस स्ट्रक्चर को एल जैसा बनाया है। मैं कभी स्काई ब्लॉक की मैप नहीं बनाया, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। सो आइलैंड एक्सपेंड हो चुका है, एंड यहाँ पर इसे तोड़ देते हैं। बढ़िया, गजब, ये भी आ गया। एंड ये वाले ब्लॉक एनिमेशन में जो ग्लिच है, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, ब्लॉक ब्रेकिंग ग्लिच। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और ये आ गया अपना सैपलिंग, बढ़िया, तो इसे यहाँ पे वापस से लगा देते। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर हम लोग सेम चीज़ कर सकते हैं, क्राउच, हमें बस क्राउच होना है एंड खड़ा होना है, क्राउच खड़ा। ये हो गया अपना पेड़ ग्रो, ओपी, क्या बोलते हो दोस्तों, व्हाट द हेल, अपने को मिल गया वही बड़ा वाला पेड़ जिसे काटना सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग है, और मैंने काट भी लिया है। और एक और बार ट्री ग्रो करने की कोशिश करता हूँ, आई होप इस बार छोटे वाला मिल जाए। उगजा, हो गया, बढ़िया, तो सही से काम कर रहा है ये, थोड़ा स्लो है बट कोई बात नहीं। ये आ गया प्लैंक्स एंड मोर प्लैंक्स, अब ये बन गया वुडन बैरल एंड थोड़े और प्लैंक्स। और ये आ गया अपने पास छन्नी, यहाँ पे दो टाइप की छन्नी बना सकते हैं, ये तो एक हो गया। और यहाँ पे दो साइड में प्लैंक्स लगाना है, एंड बीच में स्टिक्स, और नीचे में दो स्टिक्स, थोड़े और नीचे वाले पोर्शन में भी दो स्टिक्स। और ये आ गया अपने पास स्लेब के जो आइटम फ्रेम होते हैं वही, तो सिर्फ आइटम फ्रेम। और यहाँ थोड़े स्ट्रिंग बना लेते हैं। रेसिपी किधर गया, यहीं पे तो दिख रहा है, ओके तो ये आ गया मेस, स्ट्रिंग मेस। और हम लोग इस मेस को अपग्रेड भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग टू फ्लिंट, फ्लिंट टू आयरन, ऐसे करके। अब हम लोग यहाँ पे ब्लैक ग्लू की तरह सेम चीज़ें कर सकते हैं, दिखाता हूँ, जस्ट वेट, इसे यहाँ पे लगा दे, अब आएगा मज़ा। और यहाँ पे जो बड़ा वाला है उस पर भी, उसको भी लगा देते हैं। यहाँ पे दो टाइप के छन्नी मिलेगा हमें, इस वाले के लिए हमें इस पर टैप करना पड़ेगा, इसके ऊपर खड़े होकर इंटरैक्ट वाले ऑप्शन पे, एंड दूसरे वाले के लिए जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना होता है। उससे पहले ये लगा देते हैं मेस, मेस लग चुका है। एंड ये हम लोग यहाँ पे इसे छाँक सकते हैं, इसे छाँक के इससे हम लोग अलग अलग चीज़ें निकाल सकते हैं, जो हो सकते हैं कबलस्टोन नगेट, यहाँ पे पैबल लिख के आएगा, हम लोग इसे नगेट ही बोलेंगे इजी के लिए। एंड इन पैबल्स को एक साथ कंबाइन करके हम लोग कबलस्टोन बना सकते हैं। एंड डर्ट के लिए हमें ये चाहिए, लिप्स ब्लॉक, यस हम लोग यहाँ पे डर्ट क्राफ्ट कर सकते हैं। और डर्ट लिप्स ब्लॉक लेने के लिए हमें ये क्रुक की ज़रूरत है, एंड क्रुक से हम लोग ऐसे लिप्स तोड़ सकते हैं, ये बढ़िया है। एंड इन्हीं लिप्स से हम लोग वापस डर्ट बना सकते हैं, दैट्स इज कूल। बस ऐसे क्राफ्टिंग टेबल में हमें डर्ट बनाना पड़ेगा लिप से, और यहाँ पे हम लोग बीज भी बना सकते हैं लिप से, बढ़िया है, और सैपलिंग भी। एंड यहाँ पे आते हैं इंटरैक्ट पे क्लिक, जस्ट वेट, तो देखते हैं इससे हमें क्या मिलता है, ऐसे इंटरैक्ट करेंगे थोड़े और, एंड ये आ गया, ओके हमें ओवर वर्ल्ड की सामान मिलेगा इससे, बढ़िया है। एंड इससे भी हमें पैबल्स मिलेगा, यानी कि कबलस्टोन नगेट, वाओ, एप्पल्स भी मिलता है, एंड चारकोल भी मिला है हमें इससे,
तो चारकोल बहुत काम की चीज़ है, कॉज अपने आइलैंड को थोड़े बहुत लाइट अप करने की ज़रूरत है, और इसे यहाँ पे लगा देते हैं, बढ़िया है। एंड इसे थोड़े क्राउच होके यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। अब सुबह हो चुका है, और थोड़े और लीव्स कलेक्ट करके और भी डट बनाते हैं एंड उन्हें फिर से छन्नी में छाँकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया, अपने फिर से डट ब्लॉक 7 ही बना है, एंड इस बार इस पर ट्राई करते हैं क्या मिला अपने को। ओके, पेबल्स ही मिला है वापस से, एंड डर्ट की भी नगेट है, बहुत बढ़िया। और अपने को बीटरूट सीड भी मिल चुका है, एंड इनसे हम लोग कंबाइन करके कवर स्टोन बनाने वाले, और कुछ से 4 कुछ से 9 लगेगा, सबके अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम लोग हैमर भी बना सकते हैं, और कॉम्प्रेस्ड आयरन चाहिए इसके लिए, एंड स्वॉर्ड भी बढ़िया है। वाओ, प्लिंट की टूल्स, तो प्लिंट की मैं इस एक्स बनाऊंगा, मैं फ्लिंटी की बोल रहा हूँ, प्लिंट, ठीक है। एंड चेक करते हैं, वाओ, इसकी एफिशिएंसी काफ़ी बढ़िया है, यस, थोड़ा थोड़ा स्टोन एक्स के जितना ही है। एंड वन मोर थिंग, इसके कोई ड्यूरेबिलिटी नहीं है, तो हम लोग इसे लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। कंपास स्टोन पेबल, एंड आगे अपने पास कबल स्टोन, यहाँ पे बना सकते हैं हम लोग स्टोन बैरल, बन चुका है। एंड इसको प्लेस कर देंगे, उससे पहले अपने को थोड़ी और स्टोन चाहिए। ओके, इनफ पेबल आ चुका है, कहाँ गया स्टोन ऑप्शन, ये रहा, तो ये एक और स्टोन आ चुका है। अब दिखाता हूँ इसका काम, यहाँ पे लगा दिया बैरल और यहाँ पे लगा दिया स्टोन, अब इसे बस पकने के लिए वेट करते हैं। अब जब ही ये पकेगा तो लावा में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड यहाँ से ऐसे हम लोग बना सकते हैं वुडन बैरल, बट ये दूसरे टाइप की वुडन बैरल है, ये आ गया यहाँ पर, ये सेकेंड टाइप की वुडन बैरल थोड़ा अलग है, इसमें हमें लिप ब्लॉक भरना पड़ता है, ये बढ़िया है, कॉज ये थोड़ा थोड़ा वॉल द मॉट्स की तरह है। एंड हमें अब मेज को भी अपग्रेड करना है, इसके लिए अपने को चाहिए प्लिंट, एंड ये दूसरा वाले पेबल, एंड यहाँ पे अपने को चाहिए कबलस्टोन की सैपलिंग, सारी चीज़ें आ जाएंगे। ओके, पहले डर्ट आ चुका है, एंड इन्हें यहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं, इस वाले में हमें प्लिंट डायरेक्ट मिल जाता है। मैं सारे डर्ट यूज़ कर चुका हूँ, बट अभी तक अपने को प्लिंट नहीं मिला, बहुत ख़राब किस्मत है। एंड यहाँ पे अपने को मिला है डट पेबल, या सॉरी बीट ऑफ डट, बीट ऑफ डट यानी कि डट की नगेट, और इससे हम लोग डट बना सकते हैं, बढ़िया चीज़ है। बट मैं एक और ओपी चीज़ बनाना चाहता हूँ फ्लिंट के लिए, पहले तो मैं बना लूँगा एक कवर स्टोन सैपलिंग, एंड बन गया अपना कवर स्टोन सैपलिंग, इसे यहाँ पर लगाते हैं, एंड यहाँ पर टॉर्च लगाते हैं, जगह को अपने थोड़े लाइट अप करना है, थोड़े और कवर स्टोन बना लेते हैं। एंड ये आ गया अपने पास स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग की काफ़ी ज़रूरत है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऊपर एक स्ट्रिंग रखा, एंड उसके बाद अपने को रखना है स्टिक स्ट्रिंग के साइड में, और ऐसे ऊपर 2 स्टिक्स, और ऐसे नीचे स्ट्रिंग के नीचे एक स्टिक, एंड बीच में खाली रहेगा, उसके बाद आएगा कवर स्टोन, और नीचे वाले पोर्शन को भी कवर स्टोन से भरना है, तो अपने को मिल जाएगा एक मैनुअल चेसर। इसे दिखाने के लिए अपने को कबल स्टोन की ज़रूरत है, और यहाँ से हम लोग कबल स्टोन ट्री को तोड़ लेते हैं, और अपने को मिल जाएंगे कबल स्टोन, बढ़िया, अपने को कबल स्टोन भी मिल चुका है, एंड थोड़े सैपलिंग भी मिला है, तो इसे फिर से उगा देते हैं, और यहाँ पे रखते हैं मैनुअल चेसर को। और इसका मुंह एक ही साइड पर रहने वाला है, मैंने बहुत कोशिश किया बट इस साइड में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लेते हैं कबल स्टोन, और इसके ऊपर क्लिक करना है, जस्ट वेट एंड सी, तो अब आएगा मज़ा ऑल दी मॉड सेक्स के। और यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो हमें हंगर मिल जाएगा, और ऐसे दोबारा क्लिक करना है, तीसरा क्लिक, ऐसे 3 क्लिक में हम लोग ग्रैवल बना सकते हैं, और ये थोड़ा रियलिस्टिक है, जैसे हम लोग काम करेंगे तो हमें भूख मिलेगा, वैसे ये सेम है, हमें यहाँ पे हंगर मिलेगा, जितने हम लोग इसे यूज़ करेंगे उतने हमें हंगर मिलेगा। और मैंने 12 ग्रैवल निकाल लिया है, और इसमें हमें अच्छा खासा हंगर मिल चुका है, बाय द वे लकीली हमें यहाँ पे एप्पल्स मिला है, अभी के लिए तो अपने को ग्रैवल मिल चुका है। एंड मैं ग्रैवल से फ्लिंट बना सकता हूँ फ्लिंट, बट अपने मन में एक और डाउट आ रहा है, क्या मुझे ग्रैवल से अलग लूट मिलेगा यहाँ पर, लेट मी चेक, अगर मैं ग्रैवल को इंटरेक्ट करूँ, यस, मुझे गोल्ड एंड डायमंड की नगेट मिला है, विच इज़ क्वाइट ओपी, तो आप फ्लिंट बना लेते, उसके बाद मैं ग्रैवल्स को यहाँ पर स्लिप करने वाला हूँ, आई मीन छन्नी में देने वाला हूँ। तो पहले
मुझे दो प्लेन तो मिल जाए, सॉरी दो नहीं, आई थिंक तीन की ज़रूरत है। एक और आइडिया है प्लेन लेने की, बट आई डोंट नो वो काम करेगा कि नहीं। प्लेन माइन, आई मीन ग्रैवल माइन करूँगा तो मुझे प्लेन मिलेगा। अगर ग्रैवल खुद से माइन हो जाएगा तो क्या मुझे मिलेगा प्लेन? यही मेरा क्वेश्चन है, और इसी के सवाल के देखेंगे जवाब। और यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, इसके ऊपर प्लेन को रखते हैं, ऐसे एक लंबा सा टावर बनाना चाहता हूँ। मैं एक बार देखना चाहता हूँ क्या ये वाला ट्रिक काम करेगा या नहीं। कम ऑन, एक ही बचा है, आखिरी बचा है, ये आ गया। अब नीचे कूद जाता हूँ, बढ़िया, खुद से मरने का काम कर रहा हूँ ऐसे। ओके, तो अब इस वाले लकड़ी को काट के देखते हैं क्या होता है। लेट्स चेक इट बेबे। ओके, इससे नहीं मिलेगा, बहुत घटिया ट्रिक था। तो ऑलरेडी मुझे दो मिल चुका है एंड ऐसे तोड़, ओके थ्री मिल चुका है एंड आई थिंक तीन कापी नहीं होगा, अपने को चार चाहिए। ठीक है, थोड़े स्टिक्स और ये नॉर्मल वाले आ चुके हैं, और मैंने चार फ्लिंट निकाल लिया है, और ये आ गया अपग्रेड, अपने पास अपग्रेडेड वाला आ चुका है एंड आई थिंक इसे तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ लेते हैं। ओके, टूट गया। अब ये रहा फ्रेम एंड इसके ऊपर प्लेंट मेथ जस्ट लाइक दैट। इसकी लुक भी थोड़े चेंज हो चुके हैं, और यहाँ पे ऐसे डर्ट देते हैं एंड लेट्स चेक। वाव, अब ये अलग चीज़ दे रहा है, बहुत बढ़िया। अब इसको भी अपग्रेड करेंगे तो थोड़े और ओपी चीज़ें हमें मिलेंगे। ऑल द मॉड सिक्स इन एम सी पी स्काई आ रहा है ना, फील बढ़िया। तो अपने को क्राफ्टिंग टेबल बनाना है एंड इसे ऐसे रखेंगे तो अपने को मिल जाएगा क्राफ्टिंग स्टेशन। यस, मैं सोच रहा था क्या मैं भूल रहा हूँ, वही मैं भूल रहा था। यह आ गया स्लैब, और यहाँ पे रख देते अपना क्राफ्टिंग स्टेशन और चेक करते हैं इसकी रेसिपी क्या है। जस्ट लुक एट दैट, इसके नीचे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर मैं कोई भी स्पॉन एग बना सकता हूँ, कोई भी और क्राफ्ट कर सकता हूँ, इवन कोई भी ब्लॉक बेडरॉक भी तक। ये काफ़ी ओपी है। ऑल द मॉड्स सिक्स एन सी पी स्काई, जब मैं उल्टा बोल रहा हूँ चलो कोई बात नहीं। और यहाँ से हैमर बना लेते हैं। अब एक और चीज़ मुझे टेस्ट करके देखना है कि हैमर से हमें कुछ मिलेगा या नहीं। ऐसे मैं स्टोन रख रहा हूँ, और मेरे पास तीन ग्रैवल है। ओके, चार ग्रैवल हो गया एंड पांच ग्रैवल हो गया, बढ़िया। तो हमें ग्रैवल मिल रहा है हैमर से, अगर तोड़ेंगे ग्रैवल इससे भी मिलता है, बट थोड़ा कॉस्टली है ये, और ये थोड़ा एंटरटेनमेंट भी है, इसे अच्छा खासा मज़ा आ जाता है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा प्रोसेस बेस्ट है। मेरे पर्सनल ओपिनियन तो ये सही है, बट अगर हम लोग रुक रुक के करेंगे तो हमें हंगर थोड़ा कम मिलेगा हम लोग, आई मीन थोड़े कम ज़्यादा टाइम के लिए हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर ऐसे अनलिमिटली करते जाए तो हंगर एकदम में ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म, बाय बाय टाटा। अच्छा, एक बार मैं ग्रैवल तोड़ के देखना चाहता हूँ क्या मिलता है इससे। ग्रैवल तोड़ा, वाओ, सैंड मिल गया अपने को, यही तो चाहिए था। मतलब यहाँ पे अपने को हर चीज़ मिल जाएंगे, बिल्कुल ऑल द मॉड सिक्स के जैसे। अगर मैं सैंड तोड़ूंगा, ओके सैंड ही मिल रहा है, ज़्यादा होप रखना सही नहीं है। या वी आर द पॉकेट एडिशन प्लेयर एंड नाउ रेवोल्यूशन। ओके, यहाँ से एक बार देखते क्या मिलता है अपने को। पेबल्स, आई डोंट नॉट वांट और पेबल्स। ओके, डेड बूस्ट, ठीक है, कुछ खास नहीं है। एंड इस पे एक बार चेक कर लेते क्या मिलता है अपने को, बढ़िया, लैपिस लाजुली मिल चुका है। एंड यहाँ से हमें नगेट मिल रहा है, तो मैं जल्दी से नगेट कलेक्ट कर लेता हूँ। आयरन नगेट की बहुत काम है, बिकॉज अपने को बनाना है एक बकेट, और अपने पास 30 नगेट आ चुका है एंड इससे हमें मिल जाएंगे तीन इनगट। तीन इनगट से बन गया बकेट, एंड बकेट से यहाँ पे पानी ले लेते हैं, बढ़िया, बकेट नीचे गिर गया। स्पेस तो है अपने पास, फिर भी ऐसा क्यों हो जाता है पता नहीं। और यहाँ पे इसे तोड़ लेते हैं। अब यहाँ पे एक कबलस्टोन जनरेटर बनाना है, जो काफ़ी ईजी है। ओके, एक ब्लॉक गड्ढा करना है, उसके बाद एक ब्लॉक नीचे गड्ढा करना है, और यहाँ पे रखते हैं पानी। अब कबलस्टोन बना लेते हैं, ठीक है, थोड़े और कबलस्टोन बना लेते हैं, काम आएगा। एंड ऐसे गड्ढे से नीचे जाना है, एंड ऐसे नीचे से एक कबलस्टोन लगा देते हैं एंड ऊपर आ जाते हैं, बढ़िया। अरे यार, नीचे नहीं जाना है, ऊपर 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 थोड़े से, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे जो पानी है इसे बंद कर देते हैं। अब देखो असली मज़ा, इसे मैंने क्यों किया बताता हूँ।
कॉज नीचे कब्रस्टोन गिर जाने की चांसेस है, तो अगर मैं ऐसे करूँगा तो नीचे कब्रस्टोन नहीं जाएगा। और यहाँ पे हम लोग रखने वाले हैं अपने लावा को, तो ये सही है दो ब्लॉक की स्पेस। और आई थिंक यहाँ पे कब्रस्टोन जनरेट होगा, तो ये वाला ब्लॉक तोड़ देते हैं और यहाँ से बना लेते हैं एक चेस्ट। पहले आ जाए प्लैंक्स एंड चेस्ट, तो चेस्ट को ले लेते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। और इधर मैं माइनिंग के लिए बनाने वाला हूँ फ्लिंट की पिकैक्स, और फ्लिंट पिकैक्स की एफिशिएंसी काफ़ी बढ़िया है। तो कब्रस्टोन जनरेटर बन चुका है अपना और काम काफ़ी इजी हो चुका है। यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं ऐसे टेक्स, और ये आ गया लेदर। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बनाना चाहता हूँ जो फूड सोर्स के लिए है, ऐसे ऊपर तीन लेदर और साइड में नीचे में दो स्टिक्स दोनों साइड में, और ये बन गया अपना ड्राई टेबल। और यहाँ पे ऐसे केल्प रखते हैं, बट अब ये काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। एंड ऐसी औसम औसम वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बहुत जितनी जल्दी हो सके इस मैप को थोड़ी और अपग्रेड करके चार पार्ट के बाद आप लोगों को इसकी डाउनलोड वीडियो दे दूँगा। तो डोंट वरी बी हैप्पी, एंड प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, ब्लैक लू गेमिंग तक पहुँचा दो। बाय। The sun may never shine upon the hero.